दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब में। तो काफ़ी अच्छी जॉब लेके आया हूँ आज आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब है। तो उसकी मैं फुल डिटेल आपको दूंगा कि क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं बात कहूँ कोई ग्रेजुएट है अगर वो भी इसको भर सकते हैं, जो कोई फ्रेशर है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, तो इसको कोई भी भर के आगे बढ़ सकता है। काफ़ी अच्छी सैलरी इस जॉब में आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी जॉब ही रहने वाली है, रेपुटेटिव। तो इसकी मैं फुल डिटेल दे देता हूँ। तो उससे पहले जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऊपर सब्सक्राइब का बटन बना है उसको क्लिक कर लो, बेल आइकन दबा लो। डेली जॉब अपडेट, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप हमारा चैनल जो सिविल साइट विजिट, और बेसिक अगर सीखना है सिविल इंजीनियरिंग का, मिस्टेक्स वगैरह आपकी वर्किंग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल, तो दोनों पे जाके विजिट करो। अभी हम चलते हैं जॉब की तरफ कि जॉब क्या निकल के आ रही है। NCESS में, मतलब नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड स्टडीज़ में, तो एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट कंपनी है। तो जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी केरला में रहेगी, तिरुवनंतपुरम में। तो अगर हम बात करें जो सबसे पहले जॉब्स जो हैं वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन की है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, फील्ड असिस्टेंट की है, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की और प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है, आपकी बैचलर डिग्री अगर सिविल में है तो आप एलिजिबल हो, मास्टर डिग्री है या कोई भी डिग्री आपके पास है या डिप्लोमा है सिविल में, तो आपके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा है, तो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी 18,000 से 78,000 रुपये पर मंथ रह सकती है। टोटल वैकेंसीज आपकी 51 है और जॉब लोकेशन आपकी, जैसे मैंने बताया, केरला में रहने वाली है। जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की वो 7 जुलाई है। अगर हम बात करें जो सैलरी इसकी रहेगी लैब वाले की, वो रहेगी 20,000, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की 18,000, प्रोजेक्ट एसोसिएट की 31, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की 35, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 42 और प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की 49 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 56, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की 67 और थर्ड की 78,000। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहेगा वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, इंटरव्यू अभी वो प्रॉपर मैंशन इन्होंने नहीं किया। अगर हम बात करें फील्ड असिस्टेंट के लिए जो चाहिए, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल में या सर्वेइंग में किसी भी अच्छे कॉलेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। इसकी मैंने फुल डिटेल यहाँ आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और साथ में इसकी नोटिफिकेशन भी मैंने डाली हुई है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप जाके क्लिक करोगे, आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप पूरा रीड आउट करके अच्छे से उसको अप्लाई कर सकते हो। इसका अप्लाई का लिंक अभी खुला नहीं है, जल्द वो खुल जाएगा। ये अप्लाई का जो लिंक है इस पर क्लिक करो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, 1-2 दिन में वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगी आप कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, जाके अप्लाई कर लो। थैंक यू गाइस।